7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लाइड शो के कुछ एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कि हम अपनी वेबसाइट्स में अगर होम पेज पे देखते हैं तो एक स्लाइडर स्लाइड्स, जैसे कि एक ये स्लाइड्स हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर ये होम पेज पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस टाइप का स्लाइडर। ठीक है, और भी अगर हम ड्रूपल में यूज़ कर रहे हैं तो और भी हम ब्लॉक क्रिएट करके हम कहीं भी अपनी वेबसाइट्स में कोई भी किसी भी टाइप का स्लाइडर हम दिखा सकते हैं। दोस्तों, स्लाइडर अब हमें बनाना है तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है हमारे पास व्यू स्लाइड शो, ये हमें मॉड्यूल चाहिए होगा। ठीक है, तो इस मॉड्यूल्स को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक, और उसके बाद कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो कि, जैसे कि हमें अगर व्यू स्लाइड शो यूज़ करना है तो उससे पहले हमें व्यू यूज़ करना पड़ेगा, और व्यू यूज़ करना है तो उससे पहले हमें सी टूल यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको अगर व्यू स्लाइड शो यूज़ करना है तो आपको पहले सी टूल्स, उसके बाद व्यू, उससे पहले व्यू यूज़ करना है। ठीक है, और इसमें स्लाइड शो में, व्यू स्लाइड शो में आपको लाइब्रेरी भी यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि एक हमें लाइब्रेरी के फोल्डर में, जो कि अभी मैं डायरेक्टरी आपको दिखाऊंगा, लाइब्रेरी के फोल्डर में हमें एक फ़ाइल डाउनलोड करके अपनी डायरेक्टरी में रखनी है। जब आप गूगल में आप सर्च करेंगे जेक्वेरी साइकिल प्लगइन, तो आपको इस पेज पे फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये इस पेज पे आ जाएगा। यहाँ पर आपको बस साइकिल प्लगइन पे, ठीक है, यहाँ पर ये फाइल आपको दिखेगी। तो ये आप पूरी फाइल का जो कोड है वो कॉपी करके आपको जो डायरेक्टरी में जो रखनी है, मैं आपको डायरेक्टरी बता देता हूँ, वो हमारी मिलेगी साइट्स के अंदर। अब जब जाएंगे साइट्स के अंदर, आप ऑल्स के अंदर जाएंगे, ऑल, उसके अंदर आपको एक लाइब्रेरी का फोल्डर बनेगा। अगर आपके पास लाइब्रेरी का फोल्डर बना नहीं, पहले से नहीं बना हुआ है, तो आपको वो फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, लाइब्रेरी के फोल्डर बनाने के बाद आपको यहाँ पर एक jQuery डॉट साइकिल का एक फोल्डर बनाना है, jQuery डॉट साइकिल का, जो कि ये दिख रहा है jQuery डॉट साइकिल का। ठीक है, इसके अंदर आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक फाइल नेम आपको बनानी है, jQuery डॉट साइकिल डॉट ऑल डॉट मिन डॉट js, और इस फाइल्स के अंदर इस ये जो पूरा कोड है कॉपी करके आप पेस्ट करके सेव कर लेंगे। ठीक है, इस डायरेक्टरी में रखना है। डायरेक्टरी एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, साइट्स के अंदर, ऑल के अंदर, लाइब्रेरी फोल्डर में एक jQuery डॉट साइकिल का आप फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर आपको ये फाइल पुटअप करनी है। ठीक है, जो कि मैंने पहले से कर रखा हुआ है, तो ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों के पास जो दूसरा काम है वो ये है कि हमें अपनी वेबसाइट्स में कुछ इस टाइप की, जो कि मैंने 3 इमेजेस ऐड कर रखी हैं, तो उसके लिए हम एक कंटेंट टाइप बना लेंगे। ठीक है, तो कंटेंट टाइप हम जाते हैं, और अगर आपने कंटेंट टाइप बनाने का है तो आपको स्ट्रक्चर के अंदर, कंटेंट टाइप के अंदर ऐड अ न्यू कंटेंट, ठीक, यहाँ पर आप अपने ऐड अ न्यू कंटेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना रखा है कंटेंट के अंदर, मैं जब जाऊँगा जब यहाँ होम पेज स्लाइड शो, ठीक है, इस नाम से मैंने कंटेंट टाइप बना रखा है। अब इस कंटेंट टाइप में आप जब जाएंगे तो जब इसकी मैनेज फील्ड करेंगे, अच्छा मैं आपको ऐड करना सिखा देता हूँ कि कैसे कंटेंट टाइप ऐड करना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, होम पेज, ठीक है, ये जो मैंने कॉपी किया नाम, यहाँ पर हमको लिखना है होम पेज स्लाइड शो। ठीक है, यहाँ पर हमने होम कंटेंट टाइप का नाम देने का है। अगर हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लिख सकते हैं। ठीक है, टाइटल हम यहाँ पर दे देते हैं, अगर मैं इसकी मैनेज फील्ड खोलता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है इमेज नेम,
तो ये वही टाइटल है जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम इमेज नेम डाल देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये इमेजेस हमें पब्लिश करनी नहीं है, हमें केवल बैनर में दिखानी है, ठीक है। तो हम इसको प्रमोट फ्रॉम फ्रंट पेज से भी हटा देंगे और अनपब्लिश भी अनपब्लिश चेक कर देंगे, मतलब पब्लिश को से टिक मार्क हटा देंगे, ठीक है। और हमें इसमें डिस्प्ले ऑथर का भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं, ठीक है। कमेंट भी हमें क्लोज ही रखना है, इसमें कमेंट भी नहीं करना है, ठीक है। ये आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, अगर आपको मेन मेनू हटाना है तो हटा भी सकते हैं आप। इसके बाद जब आप सेव करेंगे तो आपको ये इस पेज पे ले आएगा जहाँ पर आपको इमेज नेम करके दिखेगा, और उससे पहले आपको बॉडी दिखेगी, ठीक है। उसके बाद तो बॉडी का मैंने लेबल चेंज कर दिया, आपको लेबल अगर चेंज करना हो, जैसे मैंने यहाँ दिया स्लाइड शो बॉडी, तो आपको क्या करना है, एडिट पे जाना है और यहाँ पर अपनी बॉडी का नाम चेंज कर देना है, ठीक है। ये लेबल चेंज हो रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने एक नई इमेज ऐड कर ली, इसमें एक फील्ड और ऐड कर ली है इमेज। आपको कैसे फील्ड ऐड करनी है, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फील्ड्स में इमेज का फील्ड है, जैसे कि ये है, तो यहाँ आप उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से यूज़ कर लिया, इसे दिखा नहीं रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक इमेज लेनी है स्लाइड सो इमेज, इस तरीके से इमेज लेके ये इमेज का सिलेक्ट कर लिया, ठीक। इमेज लेने के बाद इस तरीके से आप सेव कर देंगे तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप जो मैंने डायरेक्टरी दे रखी है कि जब भी मैं कोई इमेज अपलोड करूँगा तो ये स्लाइड्स हो के फोल्डर में जाएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर इनेबल कर रखा है अल्ट एंड टाइटल टैग्स, जो कि SEO पर्पस के हिसाब से अच्छा होता है हमारी वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको आपने एक कंटेंट टाइप क्रिएट कर लिया है जिसमें आपके पास एक इमेज नेम का एक टाइटल आ गया है, बॉडी है और इमेज है, और हमारे जो इस वाले बैनर में हमें क्या क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए हमें जो कि बैकएंड में आ रही है, दूसरा ये हमारे पास टाइटल हो गया और ये हमारा नीचे बॉडी हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने एक दो तीन चीज़ें में बना ली अपने कंटेंट टाइप में। अब हमें क्या करना है, कंटेंट ऐड करना है। जब हम कंटेंट ऐड करेंगे तो हम जाएंगे कंटेंट, ऐड कंटेंट, उसके बाद होम पेज स्लाइड्स हो, यहाँ पर आपको नाम देना है, ठीक है, कंटेंट का नाम यहाँ नाम देना है जो कि मैंने यहाँ दे रखा है, जैसे कि रेडी स्टॉक शर्ट, ठीक है। इस टाइप से आपको एक टाइटल देना है, उसके बाद बॉडी में अगर आप कुछ लिखना चाहें, और यहाँ पर आपको इमेज सेलेक्ट करनी है, ठीक है, ठीक। तो इमेज आपको सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको सेव कर देना है, और कुछ नहीं करना है। मैंने तीन इमेजेस ऐड कर रखी हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए तीन इमेजेस मैंने ऐड कर रखी हैं, ये होम पेज स्लाइड्स आपको दिखा रहा है, एक दो तीन, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है हमारा व्यू क्रिएट करना। तो चलिए क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर व्यू, ऐड अ न्यू व्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं व्यू का नाम, ठीक है। यहाँ पर हमें कंटेंट टाइप ही सेलेक्ट करना है और होम पेज स्लाइड्स हो, ठीक है। यहाँ पर हमें वो वाला कंटेंट टाइप चूज़ करना है जो हमने बनाया है, ठीक है। हमें पेज नहीं बनाना है दोस्तों, हम यहाँ पर बनाएंगे ब्लॉक, ठीक है। आप पेज भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम यहाँ पर ब्लॉक लेके चलेंगे, ठीक है। अभी आपने मॉड्यूल इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर बात की थी व्यू स्लाइड शो की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से मॉड्यूल हमको इनेबल करने हैं। एक तो हमें इनेबल करना है व्यू, और उसके बाद व्यू यूआई, ठीक है। तो ये रहा हमारा व्यू, ये देखिए, ये रहा हमारा व्यू जो कि इनेबल है। व्यू यूआई भी हमें चाहिए, और आपके पास जब आपने मॉड्यूल यहाँ
डाउनलोड करके अपने डायरेक्टरी में रखा होगा मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर, तो आपको ये दिखाई देगा व्यू